जूलिया को स्टाइल में ट्रैवल करना पसंद है। कितना अच्छा नजारा है। और ये हमारा वीआईपी लंच आ गया। खैर चलो देखे कि क्या है। ओ नहीं, इसमें तो कुछ नहीं बचा। ये किसने किया है? क्या तुमने किया है? थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है। मिस जूलिया, मुझे कोई परवाह नहीं, तुम मेरा खाना चुरा कर बच नहीं पाओगी। लगता है तूफान आ रहा है। तुम नहीं बचोगी एलिस। प्लेन क्रैश होने वाला है। पैराशूट लेकर कूदते हैं। तुम्हारे साथ प्लेन में अच्छा लगा लड़कियों। वैसे लैंडिंग और आराम से हो सकती थी। सभी पैसेंजर बच गए। आउच, क्या हुआ है? आप ठीक है मिस जूलिया? यही लगता है। हे एलिस, हम कहाँ हैं? मुझे डर लग रहा है। उधर हटो। नहीं, तुम हटो। लगता है हम किसी जंगल में हैं एलिस। पायलट से बात करो। हेलो रायन, तुम कहाँ हो? मैं अभी बिल्कुल भी बात नहीं कर सकता एलिस। मैं उड़कर वापस घर जा रहा हूँ। बाय। हम यहाँ फंस गए हैं मिस जूलिया। प्लेन क्रैश होने पर बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती हैं। एलिस, मेरे सारे कपड़े खराब हो गए। ओह मिस जूलिया, ठीक है मैं मदद करती हूँ। मुझे बस ये निकालना होगा। बाहर आओ। ओह, सब खत्म हो गया। और अब हम अपने लिए नया हैंगर बनाएंगे। पहले चलो इसके खराब हिस्से को हटा देते हैं। और अब हम हैंगर्स को फ्रेम में लगाएंगे। बन गया मिस जूलिया। आह, बहुत गंदा है। वुड सच में काफी पुराना हो चुका है एलिस। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। मुझे बस थोड़ी नेल पॉलिश चाहिए। देखो और सीखो एलिस। चलो इन ब्रांचेस को पेंट करते हैं। ताली बजाने की जरूरत नहीं है प्लीज। चलो इसे यहाँ टांगते हैं। खैर मैंने अच्छा कर दिया ना? सचमुच। लेकिन अब और जरूरी काम रह गया है। मुझे जाना है एलिस। कोई और गया है। कोई दूसरा पैसेंजर भी यहाँ फंसा है। ओह, अगर कोई अच्छा लड़का हुआ तो। मुझे थोड़ा सच जाना चाहिए। थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं और थोड़ा परफ्यूम। मैं आ रही हूँ क्यूटी। रास्ते से हट जाओ एलिस। मैं ये नहीं कर सकती मिस जूलिया। मैं पहले जाऊंगी। मैं उससे मिलूंगी, समझी? लेकिन यहाँ कोई अच्छा लड़का नहीं है, बस एक हड्डियों का ढांचा है। क्या तुम वो देख रही हो? आह, चले जाओ यहाँ से। ये हमारा प्लेन है। बिल्कुल नहीं दोस्त, हम अच्छे दोस्त नहीं बन सकते। मैं तुम्हारे साथ डेट पर जरूर जाऊंगी। बचाओ। मदद के लिए इंतजार करना बहुत बोरिंग है। यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं है। क्या आप ठीक है मिस जूलिया? मैं और नहीं सह सकती एलिस। हमें फर्नीचर चाहिए होगा। हम सीट्स को एक साथ लगाएंगे और इस पर पैराशूट बिछा देंगे। वाह, ये अच्छा है। अब ये हुई ना बात। बहुत आरामदायक है। हे, ये ठीक नहीं है। हट जाओ। कहीं और जाओ एलिस। कॉल करके मदद मांगते हैं। 911। हेलो, हमें तुम्हारी मदद चाहिए प्लीज। अफसोस, रेस्क्यूअर्स का लंच ब्रेक है। काम थोड़ा रोक भी सकते हैं। इस जंगल में तो कुछ भी नहीं चलता। फोन पर भी टीवी नहीं देख सकते। लेकिन एलिस के पास मजेदार आइडिया है। उसके ब्रांड न्यू सिनेमा में स्वागत है। रुको मिसी, पहले पैसे दो। जैसा तुम कहो। ये रख लो। वो बहुत सारा पैसा है। सिनेमा तो पूरा खाली है। यहाँ मूवी कहाँ है? ओह, शुरू हो गई। ये लाइव रियलिटी टीवी है। इससे ज्यादा मजेदार कुछ नहीं है। वो देख रही हो एलिस? वाह, उस सांप ने चिड़िया को खा लिया। अच्छा है, और ज्यादा ही सिनेमा देख लिया। अमीर लोग भी परेशान होते हैं। हाँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। हम आज भूखे नहीं रहेंगे। प्लेन में अभी थोड़ा खाना बचा है। डिनर करते हैं।
मेरा मन पसंद खाना, मैं और नहीं रुक सकती। बहुत अच्छा है, तुम्हें कैसा लगा मिस जूलिया? बेकार है, लेकिन हम इसका करेंगे क्या? हम इन कप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलिस के पास अच्छे हैंडीक्राफ्ट आइडिया है। हम इन कप्स को जोड़कर गोल बनाएंगे और इसके ऊपर कप्स रखेंगे। बहुत आसान है, टेबल फाउंडेशन बन गया। बस टेबल टॉप ऊपर रखना बाकी है। चलो यहाँ फूल रखते हैं एलिस। अब ये जगह अच्छी लगेगी। ये फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्या वो वहाँ सो रहे हैं? नहीं, रेस्क्यूअर्स के गाने में बिजी हैं। म्यूजिकल स्टार के लिए ताली बजाओ। ये जंगल खतरनाक है। स्वीटीज, क्या मुझे लाइक्स क्यों नहीं मिल रहे? तुम वहाँ क्या कर रही हो एलिस? ओह, समझ गई। तो तुम्हें ऐसा कंटेंट पसंद है? मैं अभी करती हूँ। थोड़ी जगह दो एलिस, मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगी। स्टीवर्ट्स डांस इतना भी मुश्किल नहीं है, तुम्हें एक रिदम में करना होगा। तुमने बहुत अच्छे से सिखाया एलिस। ये लाइक्स तो देखो। हमें नहीं पता जंगल में किससे सामना हो जाए। हमें सबके लिए तैयारी करनी होगी। मारो मारो। आउच, ये क्या है? लगता है बड़ा सांप है। एलिस देखो, मुझे बचाओ। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। ये सांप नहीं बचेगा। मेरा हथियार कहाँ है? अब ठीक है, मुझे यही चाहिए। ओह, मैं हेलमेट भी पहन लेती हूँ। ठीक है, मुझे बेस्ट ऑफ लक विश करो। ओह, यहाँ तो कोई सांप नहीं है, ये तो छोटा सा प्यारा कॉर्ड है। डरो मत मिस जूलिया। ओह, इसे दूर हटाओ। ओह, चलो भी, अपना फोन चार्ज कर सकते हैं। ओह नहीं, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। हमारा खाना अब खत्म हो गया है, हम यहाँ कैसे जिएंगे? जूलिया के पास प्लान है। हम एक लेटर लिखेंगे एलिस। तुम स्वीट खाना चाहोगी? हाँ, मुझे चाहिए। हम ये लेटर यहाँ रख देंगे। तुम्हें यकीन है ये काम करेगा? मुझ पर भरोसा रखो, हमें बहुत सारी कैंडीज मिलने वाली हैं। मुझे नहीं लगता दोस्त, तुमने देखा एलिस, मैंने तुमसे कहा था। अच्छा है, ये जंगल इतना भी खराब नहीं है। हाँ, वो क्या था? भूकंप जैसा था, शायद ये हमारे लिए है एलिस। तुम यहाँ कैसे आ गए हगी? हम मरने वाले हैं। तुम अच्छी दोस्त थी जूलिया। लॉलीपॉप चाहिए बच्चों। लॉलीपॉप? शुक्रिया। लगता है हगी वगी कभी अच्छे भी हो सकते हैं। एलिस, हमें यहाँ से निकलना होगा, कुछ करो। मैं कॉल कर रही हूँ जूलिया। हेलो 911, इसके साथ बहुत बुरा हो रहा है, किसी ने इन लड़कियों की मदद क्यों नहीं की? बहुत बुरा हुआ। जंगल में भी लेटेस्ट ट्रेंड के साथ चलना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बहुत अंधेरा है। ठीक है जूलिया, मुझे लैंप मिल गया। हम इसे प्लास्टिक के चम्मच से सजाएंगे। इन्हें काटे और एक साथ चिपका दे। लाल लिपस्टिक से इसे सजाएं। हमने कर दिखाया एलिस। अब से जंगल में भी लाइट होगी। ठीक है, आखिरी बार 911 पर कॉल करते हैं। वो, मैंने क्या कर दिया? मैं अभी आता हूँ। हे, यहाँ कोई है? मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। क्या तुम भी वही देख रही हो एलिस? हम बच गए। हम बहुत देर से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। ठीक है, इसे अपना ही घर समझो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा एलिस। हम बच गए जूलिया, मुस्कुराओ। हम वही ठीक थे। कट, सिनेमेटोग्राफी सच में एक आर्ट फॉर्म है। कृपया सभी अपनी सीट बेल्ट बांध लें, हमारा सफर शुरू होने वाला है। प्लीज आराम से बैठिए, बिजनेस क्लास कैबिन आपकी सेवा में हाजिर है। यहाँ काफी साफ है। हाँ, बिल्कुल।
बिजनेस क्लास की सीट इतनी आरामदायक नहीं है। यहाँ इतना शोर कैसे हो रहा है और यहाँ छत से सामान भी गिर रहा है, पर यहाँ कंप्लेंट करने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। चलो यहाँ से चलते हैं लियाना। इकोनॉमी क्लास बहुत शांत है, पर यहाँ की बदबू। मैरी देखो, ये सीक्रेट रूम का दरवाजा हो सकता है। ये बिल्कुल भी सीक्रेट रूम नहीं है, हमें इसे सही करना होगा जल्दी। प्रॉब्लम खत्म। खैर हम क्या करने वाले हैं? पता नहीं। मुझे पकड़ो, कोई इसके झटके रोको। ओ लियाना देखो, ये ठीक है मैरी, ये हमारे बिल्डिंग मटेरियल्स हैं। हम अपना एक सीक्रेट रूम बनाने वाले हैं यहीं प्लेन में। बाहर बहुत अच्छा लग रहा है ना? इससे मुझे एक आइडिया आया है मैरी, तुम्हारे दिमाग में क्या है? यहाँ इकोनॉमी में ज्यादा क्लाउड्स नहीं है, मैं इसे ठीक करने वाली हूँ लगभग। ये लो हमारा अपना क्लाउड, पर अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। हम बॉटल को आधा काटेंगे। हो ही गया, कैच करो लियाना, और इसके अंदर एक लाइट की स्ट्रिंग लगाएं। ये अच्छी शुरुआत है, पर हमें इसे पूरा करने के लिए थोड़े ग्लू की जरूरत है। हम क्लाउड्स को ऊपर रखेंगे इस तरह, नर्म फजी और सुंदर। चलो क्लाउड्स को कैबिन पर लटकाओ। अभी स्नैक्स खाना ठीक रहेगा। ये क्या कर रही हो मिसी? हम सिर्फ बिजनेस क्लास में ही खाना देते हैं। हेलो एयरप्लेन डिलीवरी, देखो मैरी हमारा डिनर आ रहा है। मैं आ रहा हूँ, वहीं रहो। सुशी किसने ऑर्डर की थी? हमने की थी। खाने के मजे लो, चलता हूँ। अभी भी डिलीवरी के लिए ऑर्डर्स हैं। तुम इकोनॉमी क्लास में भी मजे कर सकते हो। स्नैक के बाद चलो थोड़ा आराम करते हैं, बाकी चीजें इंतजार कर सकती हैं। मिस एमिली प्लीज कॉकपिट को रिपोर्ट करो, लगता है किसी के पास करने को जरूरी काम है। हाँ हाँ मैं आ रही हूँ, तुम ये देख रही हो मैरी, फ्री सोडा सबसे अच्छी चीज है, पर अभी भी काफी काम है। लगता है मुझे एक बढ़िया आइडिया आया है। चलो फालतू सामान हटाते हैं और फ्लाइट के बोरिंग कार्ड को बढ़िया मेकअप ऑर्गेनाइजर में बदलते हैं। आप सोचने की ताकत को रोक नहीं सकते। चलो थोड़े से ब्राइट कलर भी मिलाते हैं। अब केबिन में ब्यूटी सैलून भी है। हाँ लियाना, मुझे वो बहुत याद आ रहा है। हाँ देखो ये वही है, ये तो तुम्हारा क्रश है और वो किसी और के साथ है। सब खत्म हो गया लियाना, खुद को संभालो मैरी, हम बदला लेंगे, मेरे साथ आओ। हाय बॉयज, तुम हमारे पायलट्स हो। हे डूड, तुम सुन रहे हो? मेरी फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करना चाहती है, वो भी स्टाइल में। चलो इसके टूटे दिल का बदला लेते हैं एलेक्स। चलो चले एडम, थोड़े ये शार्प टर्न्स और हमने अपना ब्रेकअप नोट बना लिया है। वाह ये अजीब है ना? देखो मुझे कितना सामान मिला है मैरी, हम इसे कहाँ रखेंगे? ओह अच्छा, ट्रंक काम आएगा। हम इसे एक आसान छोटे टेबल में बदलेंगे। चलो काम पर लगते हैं लियाना, टेबल्स को बनाना आसान नहीं है, पर जब आप टीम की तरह काम कर रहे हो तो सब मुमकिन है। थोड़े से स्क्रूज, थोड़े से वुड ब्लॉक्स और टेबल लेग्स तैयार है। चलो ट्रंक को ऊपर रखते हैं और हम लंच कर सकते हैं। हम इसमें माहिर हैं लियाना। सबसे पहले ब्यूटी, पर टर्बुलेंस हमारे खत्म करने तक का इंतजार नहीं करेगा। हम ब्यूटीफुल मेकअप को भूल सकते हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता। क्या चल रहा है लड़को? इनको देखो मैरी, वो गेम्स खेल रहे हैं। दूर हटो लड़को, चलो प्रोफेशनल्स को काम करने दो, देखो और सीखो।
ये बहुत आसान है, एक बच्चा भी इसे कर सकता है। थोड़ी सी नींद कैसी रहेगी, पर लियाना अभी आराम नहीं करेगी। हमें मिरर चाहिए, ये बढ़िया है। ब्यूटी अप्लायंसेस का पूरा सेट। अब मेकअप लगाना और आसान है। ओह नहीं मैरी, विंडो के पास सोना एक बेकार आइडिया है। हाँ क्या हुआ लियाना? बेस्टी तुम्हें भयानक टैन हो गया है। ओह नहीं मेरा चेहरा, ये बहुत बुरा है लियाना। ये सही है, हमें थोड़े कर्टेंस चाहिए। अच्छा है हमारे पास बैग में थोड़े ब्राइट स्कार्व्स हैं। बस विंडोज और प्रेस्टो को कवर करो। टैनिंग प्रॉब्लम के लिए एलिगेंट सॉल्यूशन है। प्लेन्स इतने बोरिंग क्यों होते हैं? हमें ट्रेन लेनी चाहिए थी। हे लियाना, मेरे पास एक आइडिया है, तुम मेरे साथ हो? एक छोटा सा प्रैंक कैसा रहेगा? उन्हें देखो, वो सो रही है। कितने क्यूट है। बू, हम गिर रहे हैं। मैंने पकड़ रखा है, कसकर पकड़ना। हमें माफ करना बॉयज, हम बस बहुत बोर हो गए थे। कॉकपिट से निकलो मिसी। ग्लोब से तुम क्या करोगी? ये एक बोरिंग टॉय है। ये सिर्फ ग्लोब नहीं है लियाना, ये एक डिस्को बॉल है। चलो सीडीज को छोटे पीसेस में काटते हैं। मेरी को पता है इसे कैसे करते हैं। वाह, ये है असली डिस्को बॉल। चलो इसे छत पर लटकाते हैं। इकोनॉमी क्लास की सीट्स आपके स्टेमिना का टेस्ट ले लेंगी। मैं ये और नहीं कर सकती मैरी। ओह, आराम से बेस्टी। चलो देखते हैं इस रहस्यमय ट्रंक के अंदर क्या है। हे, ये सब एयर मैट्रेस है, चलो इन्हें फुलाते हैं। ये हो गया। अब इकोनॉमी क्लास में लग्जरी रिलैक्सेशन जोन है। पर आराम करने से पहले हमें थोड़ी सफाई करनी होगी। फिर थोड़ा भारी है और बीच में मैट्रेस है। हे मैरी, हमारा शो शुरू होने वाला है, हम उसे मिस नहीं कर सकते। क्या आप बता सकती हैं यहाँ क्या चल रहा है मिस? हम पार्टी कर रहे हैं, ज्वाइन करना चाहती हो पार्टी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम यहाँ कभी बोर नहीं होगी। म्यूजिक, डांसिंग और मजेदार स्नैक्स के मजे लो। लगता है हमारे कुछ बिन बुलाए मेहमान आए हैं, पायलट के मजे मिस नहीं करना चाहते। पर पार्टी की वजह से सेफ्टी को अनदेखा नहीं कर सकते। जारी रखने से पहले अपनी सीट बेल्ट लगा लेते हैं, अब सब सेफ है। हे दोस्तों, प्लेन कौन उड़ा रहा है? ओ नहीं, कॉकपिट। हमें क्रैश होने से पहले पार्टी रोकनी होगी। घबराने की जरूरत नहीं है एलिस, हम ठीक हैं। फिर कामयाब रहे, प्लेन वापस ट्रैक पर है।